आप बहुत अच्छा लगा मिलके, आप बहुत जी अच्छा, जी जी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। जी 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 आगे बढ़ते रहिए, जी मंजिल पे पहुंचिए। जी हर हर महादेव दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है और हमारी साइकिल तो रेडी ही है। हमने सामान नहीं निकाले थे, बाकी सब सारा सामान लगेज वगैरह पूरा इसी में है। भाई ने सारी व्यवस्था कर दिए थे, तो अभी निकल रहे हैं हम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोहरा था, तो अभी सुबह का अभी 11 बज गया है लगभग, तो अभी निकलेंगे। और यहाँ पर आग बढ़ रही है, तो यहाँ पर आग तापे थोड़ी देर, बढ़िया। तो अभी थोड़ा देर और 10 मिनट रुकेंगे, इसके बाद निकलेंगे। सुबह का भोजन होने लगा है भाई लोगों के साथ, और भोजन करने के बाद निकलते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है, तो निखिल भाई हम निकल रहे हैं, टाइम भी हो रहा है। ठीक है भैया, बहुत बहुत थैंक यू यार। सो फाइनली दोस्तों, हम मिसौली से निकल गए हैं निखिल भाई के यहाँ से, और ये देखिए अभी भी कोहरा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए भाई रास्ते से जा रहे थे और भाई से मुलाकात हुई, पर यहीं से हैं, उठनी से हैं भाई साहब। तो हम यहाँ से मेरवा जा रहे थे, तो भाई से मुलाकात हुई। तो रास्ते से जा रहे थे दोस्तों, तो भैया लोग मिले, भैया लोगों से मिलके बहुत अच्छा लगा। भैया निकलते हैं। चलिए भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके, आप बहुत अच्छा, जी जी बहुत सराहनीय काम कर रहे हैं। जी 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 आगे बढ़ते रहिए, जी मंजिल पे पहुंचिए। जी चलिए ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बाय। मेहरवा पहुंच गए हैं दोस्तों, और निखिल भाई ने नंबर दिए थे भैया का, तो इनसे हमने सोचा मिलते चलें। भैया का ये शॉप है यहाँ पर मेहरवा में। जी 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 तो दोस्तों, हम बहुत देर से बैठे हुए हैं अभी, और न्यूज़ वाले आ रहे हैं भैया। हाँ, न्यूज़ वाले आ रहे हैं। एक न्यूज़ वाले चले गए आके इंटरव्यू लेके, और एक आ रहे हैं, तो उनका वेट कर रहे हैं, इसके बाद निकलेंगे हम। और भैया ने चाय ला दिए हैं। सो फाइनली दोस्तों, हम मेरवा से निकल चुके हैं, और न्यूज़ वाले आए थे वहाँ पर दो लोग, तो उन्होंने हमारा थोड़ा कैप्चर किए। और अभी चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया, और आज हम ज़्यादा नहीं चले हैं, 15 किलोमीटर चले हैं, और लगभग 2:30 बज गया है। तो आज तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कवर होगा, फिर हम वहाँ 2 घंटे रुके तो वो हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं तो 2 घंटे में हम लगभग 20 किलोमीटर कवर कर लेते सिवान तक। तो चलिए अभी चलते हैं, जितना भी कवर होगा उतना करेंगे। रास्ते से जा रहे थे दोस्तों, और बहुत सी जगह देखने को मिले। ये स्तंभ, ये कोई स्तंभ नहीं है, ये जो छठ पूजा होती है जिसको आप जानते होंगे, छठ पूजा, तो वो छठ पूजा इसमें की जाती है। ये सबके अपने अपने अलग अलग नाम जैसे रहते हैं, ये देखिए इस तरीके से बनाए जाते हैं, तो पूजा पाठ का ये काम है। टाइम बहुत हो गया है दोस्तों, और जगह नहीं मिल रही है। अब आगे देखते हैं, ये साइड में ट्रक बहुत ज़्यादा खड़े हुए हैं, ये देखिए ये। तो आगे एक ढाबा है, वहाँ पर पूछते हैं चलकर, यदि वहाँ जगह मिलेगी तो आज वहीं पर स्टे करेंगे, चलकर पूछते हैं वहाँ के ओनर से। सो फाइनली दोस्तों, सिवान से आते हुए गोपालगंज रोड में हमको ये ढाबा मिला, तो यहाँ पर रुक रहे हैं आज, और भैया लोग मिले हैं, सभी से नमस्ते करते हैं। नमस्ते, नमस्ते भैया। भोजन के लिए बोल दिए हैं, भोजन बन रहा है और थाली निकल रही है अभी बनके, और हमारी साइकिल ये खड़ी हुई है यहाँ पर, हमने व्यवस्थित खड़ी कर दी है, ये यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया रात आराम से कट जाएगी। तो भोजन निकल रहा है, भोजन करेंगे, उसके बाद आराम से सोएंगे, उसके बाद सुबह निकलेंगे। भोजन लग गया है दोस्तों, तो भोजन कर रहे हैं, और दाल है, रोटी है, और सलाद वगैरह है, चावल ले लेंगे इसके बाद। कल हमने दाल बाटी खा ली थी, तो थोड़ा पेट गड़बड़ हो गया था, तो ये गोली ले लिए हैं, पीछे ये गांव पड़ा था तो वहां से लिए हैं, अभी ठीक लग रहा है, तो एक गोली खा ली है।
तो भाई हमारा लगने लगा है बिस्तर, भाई की बहुत मदद मिल रही है। क्या नाम है भाई आपका? गोलू। ये भाई का ढाबा है, इन्हीं के पिताजी का, तो आज यहाँ पर सोएंगे बढ़िया व्यवस्थित। भोजन हो गया है दोस्तों, सब सही से हो गया है। अब देखेंगे कल सुबह निकलेंगे, अब कोहरा भी देखना पड़ेगा कितना क्या रहता है, क्योंकि सुबह ज़्यादा कोहरा रहता है तो देख के चलेंगे, लेकिन कल पहुँचना ही है मोतिहारी कैसे भी करके। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को हम यहीं पर विराम देते हैं। हर हर महादेव।